अतिरिक्त सरकार चिंता जानवरों के फसलों को बचाने हेतु किसानों को रखवाली भत्ता दे एवं ग्राम पंचायत तथा गौशालाओं का निर्माण भी कराए। गेहूँ धान गन्ना एवं अन्य फसलों के मूल्य का भुगतान 15 दिन में सरकार सुनिश्चित करे। सभी किसानों की पूर्ण कर्जमाफी सुनिश्चित की जाए। न्याय पंचायत स्तर पर फल सब्जी की फसलों को बचाने हेतु सरकारी पेपर वाला फोटो खिंचवा दिया कम दाम में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए। अन्य पके अनाज के गोदामों की स्थापना हो। कांग्रेस पार्टी के लिए किसान आयोग का गठन होना बहुत आवश्यक है। सुने कांग्रेस सरकारों की तर्ज पर सभी फसलों में बोनस की व्यवस्था वाली फसल बीमा का बजट बढ़ाया जाए तथा प्रत्येक किसान को उसके नुकसान हुई फसलों का मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वीरगंज के पब्लिक स्कूल तक तथा सिरौली चौराहे से ताइल खांके धर्म कांटे तक सड़क निर्माण जनहित में अति शीघ्र कराया जाए। ये आपके यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। स्थानीय नेता है ये उम्मीद करते हैं नो डाउट नहीं मालूम है लेकिन आप जनहित का है फोटो स्केट करा लिए ना। हाँ हम ये उम्मीद करते हैं कि ये ज्ञापन आपके माध्यम से माननीय विधायक के पास जाएगा और निश्चित ही इसके लिए लोग प्रयास भी बिल्कुल बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिस पर लगातार पानी चल रहा है। गौशाला है हमारे क्षेत्र में बड़ी गौशाला है वीरगंज में भी गौशाला आई है। अब कहाँ तक निर्माण है वो माने चेयरमैन साहब ज़्यादा थोड़ा पीछे बचा पाएंगे। पीछे हमारे रफियाबाद में गौशाला बन चुकी है बड़ी गौशाला बन चुकी है। अब चूंकि सरकार की शायद ये नीति है कि छोटी जो गौशालाएँ हैं उनमें व्यवस्थाएँ व्यवस्था हो नहीं पाती है पूरी तरह से उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और इस सब चीज़ को व्याप्त हो जाता है। उनको रोकने के लिए बचाने के लिए सारे जानवर बड़ी गौशालाओं में शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कुछ अच्छा भी किया है अगर कहीं कोई कमी है तो वादा और विश्वास दिलाते हैं माननीय विधायक जी के माध्यम से ये सदन में रखी जाएंगी और निश्चित तौर पर इस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद।